नमस्कार, मेरा नाम है जीशा और आप देख रहे हैं दी लालन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे कि रूस के खिलाफ चौतरफा आर्थिक पाबंदियों के चलते कैसे दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी पर मंदी का साया मंडराने लगा है। अगर रूस भीषण मंदी की चपेट में आया तो पूरी दुनिया सहित भारत के लिए इसके क्या नतीजे होंगे, और ये भी कि क्यों भारत सरकार देश के सबसे बड़े आईपीओ को टालना चाहती है। क्या शेयर बाजारों में जारी उठा पटक के बीच LIC IPO आने से निवेशकों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है? इन सभी सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट। देश की जानी मानी फिनटेक कंपनी भारत पे और उसके एक्स MD अश्नीर ग्रोवर का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अश्नीर ग्रोवर ने 2 दिन पहले ही भारत पे से इस्तीफा दिया था और कंपनी बोर्ड पर कई आरोप लगाए थे, लेकिन अब कंपनी ने उन पर पलटवार किया है। भारत पे ने आज एक बयान जारी कर ग्रोवर पर कई गंभीर आरोप लगाए और उन्हें कंपनी के सभी पदों से हटाने का ऐलान किया। भारत पे ने कहा है कि ग्रोवर का इस्तीफा ऐसे समय आया जब कंपनी उन्हें हटाने ही वाली थी। ग्रोवर को जैसे ही पता चला कि कंपनी बोर्ड की मीटिंग में उनके खिलाफ चल रही इंक्वायरी की रिपोर्ट रखी जानी है, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। बोर्ड ने ग्रोवर और उनकी फैमिली पर कंपनी के पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कंपनी के मुताबिक ग्रोवर और उनके रिलेटिव्स ने फर्जी वेंडर बनाए और कंपनी के एक्सपेंस अकाउंट से पैसे निकाले। उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ के खर्चों के लिए कंपनी का फंड यूज किया। कंपनी ग्रोवर के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी भी कर रही है। इससे पहले अश्नीर ग्रोवर ने अपने रेजिग्नेशन के बाद कहा था कि उन्होंने $2.8 बिलियन के फिनटेक से बाहर निकलने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि वह पब्लिक कॉर्पोरेट ड्रामा जारी नहीं रखना चाहते थे। ग्रोवर ने अपने रेजिग्नेशन में लिखा था कि मैं इस बात से काफ़ी दुखी हूँ कि जिस कंपनी को मैंने शुरू किया आज उसी कंपनी को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही अश्नीर की पत्नी माधुरी ग्रोवर को कंपनी ने फाइनेंशियल इरेग्युलैरिटीज़ के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। भारत पे को शुरू करने के 2 साल के भीतर ही उसे यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन की कंपनी बना देने वाले अश्नीर का करियर शानदार रहा है। लेकिन 2 महीने पहले कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी को फोन पर कथित रूप से गाली देने का ऑडियो क्लिप बाहर आने के बाद वह लगातार मीडिया की सुर्खियों में रहे और यहीं से उनके पतन की शुरुआत हुई। फिलहाल ग्रोवर की अनुमानित संपत्ति $9.5 करोड़ यानी ₹715 करोड़ से ज्यादा है। भारत पे के अलावा ग्रोवर ने 55 स्टार्टअप्स में निवेश किया है। उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर और यंग अचीवर्स अवार्ड भी मिल चुके हैं। अश्नीर ग्रोवर TV रियलिटी शो शार्क टैंक में जज के रूप में शामिल हो चुके हैं। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर, जहां एक और यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दुनिया भर के देश रूस पर पाबंदी भी लगाते जा रहे हैं। कई बिलियन डॉलर्स की रूसी संपत्तियों को फ्रीज करने, रूसी बैंकों को स्विफ्ट से बाहर करने और ट्रेड रिलेशंस खत्म करने जैसे फैसलों के बाद आज अमेरिका ने रूसी प्लेन के लिए अपने एरोस्पेस भी बंद कर दिए। आज कई अखबारों में ये रिपोर्ट है कि रूस पर जिस तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हैं उससे वहां भयंकर आर्थिक मंदी आ सकती है। अगर रूस में आर्थिक मंदी आई तो इसका ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर होगा और भारत खुद को इससे कितना दूर रख पाएगा? हमने एक्सपर्ट की राय ली। देखिए, जो आर्थिक प्रतिबंध लगे, इकोनॉमिक सैंक्शन जिनको हम कहते हैं रशिया पर, और अगर हम रशिया की अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करें तो दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोई रशिया इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत से छोटी है। भारत दुनिया की 5वीं है और रशिया दुनिया की 11वीं है। और अगर हम साइज देखें रशिया की अर्थव्यवस्था का तो $1.7 ट्रिलियन के करीब आता है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है $3 ट्रिलियन की है। तो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा रशिया की अर्थव्यवस्था लगभग लगभग भारत की अर्थव्यवस्था से आधी है। पर रशिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री सुपर पावर है, पहला। दूसरा, रशिया के पास जो एनर्जी रिसोर्सेस है, मतलब ऑयल और नेचुरल गैस, ये भारत से कहीं ज्यादा है। और तीसरा, जो रशिया की स्ट्रेंथ है, जो मैं मानता हूं वो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है, क्योंकि मिलिट्री उसके, रशिया के पास जो न्यूक्लियर हेड्स हैं, जिसको न्यूक्लियर हेड्स कहते हैं, वो लगभग 6,500 के करीब है, जो कि अमेरिका से भी ज्यादा है। इसी बिना पे रशिया ने ये जो कदम उठाया यूक्रेन के तरफ, इसी बिना पे उठाया, अपनी मिलिट्री पावर को देखते हुए, मिलिट्री एक अंग्रेजी में बोलते हैं मिलिट्री प्रोवेस को देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया। अब कदम उठा तो लिया, पर अगर आप उसके आर्थिक परिणाम देखेंगे
एक परिणाम तो अभी आपको देखने को मिल रहा है कि उसको यूरोप से, नेटो से, अमेरिका से बार बार चेतावनी दी जा रही है, यूएन जनरल असेंबली में उसकी आलोचना की जा रही है, सारा चारों तरफ भर्त्सना हो रही है। पर मुझे लग रहा है रशिया को जो ज्यादा पेन फील होगा वो इन इकोनॉमिक सैंक्शंस का होगा, और ये इकोनॉमिक सैंक्शंस आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये उसको रिसेशन में भी ले जा सकती है। कैसे? पहले तो हम देखें कि जिस दिन अटैक हुआ उस दिन आपने देखा कि रशिया की जो करेंसी है रूबल, वो लगभग 20 से 30% नीचे आ गया, उनकी स्टॉक मार्केट्स भी 20 से 30% नीचे आ गए। इनफैक्ट आज जब हम बात कर रहे हैं तो रशिया की स्टॉक मार्केट को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उसमें वॉलिटिलिटी हो गई थी और निवेशकों का इस कदर नुकसान हो रहा था कि उसको बंद कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उसकी शेयर मार्केट को अगर बंद कर दिया जाता है तो ये बहुत अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये बतला रहा है कि आपकी फाइनेंशियल मार्केट पूरी डावाडोल हो गई। इसके अलावा हम प्रतिबंधों की बात करें जिसके कारण ये रिसेशन में जा सकता है, तो ये रूबल की जो कीमत गिरी है इसकी वजह से रशिया में बहुत बड़ा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, महंगाई, उसका खतरा हो गया है कि इतनी महंगाई हो जाएगी कि शायद रशिया और उसके लोग इसको संभाल नहीं पाएंगे और वहां पर हाहाकार मचने की परिस्थिति आ गई आ जाएगी, जो हमने अफगानिस्तान में देखा तालिबान के आने के बाद, कि लोगों को अपने घर का सामान बेच बेच कर अपने आटे दाल घी मसाले खरीदने पड़े, खाने का सामान खरीदना पड़ा, घर का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, किसी ने अपने गद्दे चद्दर पलंग तक बेचा है लोगों ने वहां पर सड़क पे लगा लगा के। वही नौबत रशिया में आ सकती है, ये जो संकट उस पर गहरा गया है। दूसरा हम देखें रशिया के बैंक्स को अछूता घोषित किया गया है। दो बैंक्स रशिया के सबसे बड़े हैं, एक शेयर बैंक है, एक वीटीबी बैंक है। इन दो बैंकों में मिला के लगभग 48 बिलियन डॉलर के रोज के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं इन, और 80% ट्रांजैक्शन इसके डॉलर्स में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर यूएस डॉलर, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंधों की शुरुआत करी, नेटो ने करी, तो जब अगर यूएस डॉलर में रशिया नहीं कर पाएगा तो उसका क्या असर होगा बैंकों पे, आप समझ सकते हैं। बैंकों ने जो लोन दिए हुए हैं, बैंकों ने जो डिपॉजिट्स लिए हुए, रशिया की जनता को कह दिया गया है कि आप कोई भी पैसा यहां से बाहर नहीं भेजेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं ललन टॉप के जो भी फॉलोअर्स है, दर्शक है, उनको बताना चाहूंगा और उसको बहुत आसानी से समझ भी पाएंगे कि वहां पर जो इंटरेस्ट रेट था, मतलब जिस ब्याज पे आप बैंकों से लोन ले सकते थे, जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, किसी भी देश का एक इंटरेस्ट रेट होता है फिक्स। भारत में जैसे अभी आप अगर हाउसिंग लोन देने जाएं तो आपको 7-8% पर कंपाउंडिंग ले तो 9% तक सिंपल इंटरेस्ट आपको 6-6.5-7% दिखाई देता है। रशिया में ये 9.5% था, जैसे ही अटैक हुआ इसको बढ़ा के 20% कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि 20% करने का क्या मतलब है कि अगर आप आज बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको 20%, जो कि बहुत ही ऊंचा है, 1.5% पर मंथ से भी ज्यादा हो जाता है, कंपाउंडेड ले तो और ज्यादा हो जाता है। ये फिर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं नजर आता है, ये एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था, एक सिंक करती हुई अर्थव्यवस्था का संकेत हो रहा है। और वहां की जनता को बोल दिया गया है कि आप कोई भी पैसा बाहर नहीं ले जाएंगे, वहां के एटीएम्स के बाहर लाइन लग गई है, लोग बैंकों में पैसे निकलवाने जा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है अब हम पैसे ना कहीं भेज पाएंगे, हो सकता है बैंक फ्रीज हो जाए। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जो कि आर्थिक दृष्टि से, जिसकी वजह से रिसेशन का खतरा रशिया पे मंडरा रहा है, आपने जो सवाल पूछा कि रशिया के जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो 630 बिलियन डॉलर के, और इत्तेफाक की बात है कि भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी 630 बिलियन डॉलर के आसपास है। रशिया के इतने ज्यादा इसलिए है क्योंकि वहां से तेल का और नेचुरल गैस का निर्यात बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है। ये सारे के सारे फॉरेन एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं, फ्रीज कर, क्योंकि ये फॉरेन एसेट्स आपको डॉलर, यूरो, पाउंड और येन, इन करेंसीज में होते हैं। अब ये एसेट्स रशिया यूज नहीं कर पाएगा। तो मैं समझता हूं चौतरफा आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो चौतरफा मार पड़ी है रशिया पे। भले ही रशिया पे किसी ने मिलिट्री आक्रमण ना किया हो, भले ही यूक्रेन में उसने जो भी अटैक किया है वो मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से, बॉम्ब गिराकर, टैंकों के जरिए किया है, उसके ऊपर अभी किसी ने अटैक नहीं किया है। हम लोग ये सोच रहे थे कि यूक्रेन डिफेंसिव पे क्यों है, यूक्रेन की जो सेना है, जो दो भी थोड़ी बहुत सेना है, वो जाके रशिया में अटैक क्यों नहीं करती, क्योंकि एक ऑफेंस का तरीका होता है डिफेंस, या डिफेंस का तरीका ऑफेंस होता है। पर मैं समझता हूं ये जो आर्थिक ऑफेंस रशिया के ऊपर जो हमला हुआ है इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए,
इसका दर्द रशिया को आने वाले कुछ हफ्तों से ही महसूस होने लग जाएगा और ये दर्द इतना गहरा होगा कि शायद जो घाव रशिया ने यूक्रेन को या बाकी की दुनिया को दिए हैं वो घाव शायद छोटे पड़ जाए इसके सामने। जो जान, देखिए जो जान गई है, जिन लोगों को इंजरी हुई है, उसकी भरपाई तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती, पर जो क्षति पहुंची है, कुल मिला के क्षति पहुंची है रशिया पे, ये जो क्षति है ये रशिया के आम जनता को, रशिया की सरकार को, रशिया एज ए देश को इतना बुरी तरह ये दर्द पहुंचाएगा कि रशिया अपने आप को फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बिल्कुल आइसोलेटेड महसूस करेगा, अलग थलग जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। और यही कारण बनेगा रशिया को रिसेशन में ले जाने का, क्योंकि जब ना दुनिया उससे डील कर पाएगी, ना वो दुनिया से डील कर पाएगा, तो मैं समझता हूं बहुत ही बड़ी मुसीबत रशिया के सिर पर यह आने वाली है। आज वो आक्रमण कर रहा है, शायद उसके कुछ उद्देश्य है उसको लेके, पर कल जो उसके पार होने वाला है, और कल ये बहुत दूर नहीं है, मैं एक अर्थशास्त्री होने के नाते आपको बता सकता हूं, ये केवल चंद हफ्तों की बात है, 3 से 4 हफ्तों में आपको रशिया का ये दर्द महसूस होना दिखने लग जाएगा, और तब रशिया को महसूस होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती करी अपने आप को दुनिया से अलग थलग कर। ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क स्विफ्ट से कई रूसी बैंकों को बाहर किए जाने के बाद इसके असर को लेकर भारतीय बैंकिंग सिस्टम में भी चिंता जताई जाने लगी है। हालांकि अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारतीय पेमेंट सिस्टम पर इसका जल्द कोई असर नहीं होगा। इस पाबंदी की डिटेल्स अभी आने वाले हैं, लेकिन यह तय है कि रूस के साथ सभी देशों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इससे प्रभावित होंगे। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की। जितने भी आर्थिक प्रतिबंध रशिया पर लगाए गए हैं, जितने भी लगाए गए हैं, बैंकों पर लगाए गए हैं, रशिया के हाई नेट इंडिविजुअल्स पे लगाए गए हैं, कुछ लोग जो पुतिन साहब के करीब थे, जो अमीर लोग थे, जो उनको फंडिंग करते थे, उन पर लगाए गए हैं, आयात निर्यात पर लगाए गए हैं, पर जो सबसे बड़ा प्रतिबंध मैं मानता हूं, जो सबसे घातक प्रतिबंध है, जो कि सारे प्रतिबंधों को एक आउटकम दे देगा, वो मैं मानता हूं स्विफ्ट पर प्रतिबंध है। स्विफ्ट, अगर ललन टॉप के जो व्यूअर्स और फॉलोअर्स हैं जो स्विफ्ट को नहीं जानते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा, स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। एक सोसाइटी बनी हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसके करीब करीब 11,000 मेंबर्स हैं, बैंक्स अलग अलग मेंबर्स हैं, और एक आईडी के माध्यम से, एक मैसेज के माध्यम से आप कुछ ही घंटे में एक बैंक से दूसरे बैंक में किसी भी देश में आप पैसा भेज सकते हैं। अब रशिया को इससे बाहर कर दिया गया है कुछ हद तक, हालांकि आपने ठीक कहा, इसकी डिटेल्स आ रही है, क्योंकि इसमें एक विडंबना ये आ रही थी कि आपने प्रतिबंध ऑयल पर और नेचुरल गैस पर अभी नहीं लगाए हैं, तो अगर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, इसका मतलब ऑयल नेचुरल गैस रशिया देता रहेगा, तो देता रहेगा, तो प्रश्न ये उठता है कि पेमेंट कैसे जाएगी, आपने तो स्विफ्ट से बाहर कर दिया, और भारत के करीब करीब 3700 करोड़ एक्सपोर्टर्स का पैसा रशिया में अभी फंसा हुआ है। अब ये पैसा कैसे आएगा, भारत सरकार इसका विकल्प ढूंढ रही है कि कोई ऐसा बैंक भारत सरकार में ढूंढा जाए जो कि स्विफ्ट का मेंबर नहीं है, और वहां से रूबल के जरिए बजाय डॉलर के, रुपए और रूबल में ये करेंसी डील हो जाए, जिससे कि वो पैसा यहां आ सके। खैर, ये तो बात रही भारत के व्यापार की, तो मैं समझता हूं रशिया के लिए सबसे बड़ी जो घात लगी है वो स्विफ्ट में बाहर होने से लगी है, क्योंकि इसका अर्थ आप समझिए, ना ही कोई पैसा रशिया में भेज सकता है, ना ही कोई पैसा रशिया से बाहर ले जा सकता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड सारा का सारा US डॉलर्स में होता है, ज्यादातर 80 से 90% ट्रेड दुनिया का, और इस स्विफ्ट के माध्यम से रोज के 3.5 से 4 करोड़ ट्रांजैक्शन दुनिया भर में होते हैं। आप समझ सकते हैं कि स्विफ्ट पर पूरी की पूरी दुनिया आयात निर्यात के लिए, ट्रेड के लिए, पेमेंट भेजने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, अगर मैं जनरल बात करूं, निर्भर है। तो ये रशिया को इसमें से बाहर कर देना का अर्थ है कि रशिया का कोई भी व्यक्ति, सरकार, कंपनी, कोई संस्था अब ना तो पैसा बाहर से मंगा सकते हैं, ना पैसा बाहर भेज सकते हैं, क्योंकि स्विफ्ट ही एक स्विफ्ट से पहले अगर याद होगा किसी को, तो टेलेक्स के माध्यम से पैसा भेजा जाता था, जिसमें कई कई दिन लग जाते थे। जब से स्विफ्ट आया, चंद घंटों में एक स्विफ्ट कोड होता है, हर बैंक का मैसेजिंग सिस्टम होता है, आप कोड डालिए और तुरंत वो पैसा जो है उसको मिल जाता है, कुछ ही घंटों में, कई बार तो बिल्कुल फौरन ही मिल जाता है, कई बार आप रात को भेजें सुबह मिल जाएगा, इतनी जल्दी ये ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी इकोनॉमिक सैंक्शन, मैं एक इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते ये बता सकता हूं कि सबसे बड़ी घात और सबसे जल्दी लगने वाली घात, क्योंकि फौरन आपको इसका असर देखने को शुरू हो जाएगा, बल्कि इसका असर तो आजकल में ही शुरू हो गया है, मैं समझता हूं स्विफ्ट से बाहर करना है, और रशिया को अब ये विचार करना पड़ेगा और उसको एहसास होगा
कि उसने ये क्या किया है जिसकी वजह से उसके देश को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। कच्चे तेल की कीमतें अब $110 प्रति बैरल के आंकड़ों को भी पार कर चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार के एक आकलन में बताया गया है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में 10% की तेजी से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट 30 basis points यानी 0.3% बढ़ जाएगा। कच्चे तेल का दाम 10% बढ़ने से खुदरा महंगाई दर 0.4% बढ़ जाएगी। इसी तरह क्रूड में 10% इजाफे से हमारी GDP में 0.2% की कमी आएगी। कहां तक जाएंगे क्रूड के दाम और इसका हमारी आपकी जेब पर कितना होगा असर, देखिए इस बारे में हमारे एक्सपर्ट ने क्या कहा। कहां जाके रुकेगा ये, तो ये युद्ध कितने दिन चलता है, ये कॉन्फ्लिक्ट, ये वॉर कितने दिन चलता है, कितना बड़ा ये हो जाता है, क्या इसमें ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग होगा, ये प्रश्न चिन्ह आज बने हुए हैं। डर दुनिया के ऊपर बादल डर के मंडरा रहे हैं, मैं ये कहूंगा। तो ये तो कहां तक जाएगा, हालांकि हमने $110 पार करते हुए देख लिया। इसका असर अगर हम भारत की बात करें खाली, तो भारत की बात लीजिए तो 85% हमारा जो डिपेंडेंस है पूरी ऑयल का वो आयात पर है, इंपोर्ट पर है। हमारे अपने यहाँ कुल 15% प्रोडक्शन होती है, 85% हम बाहर से लेते हैं जो टोटल खपत। हमारा टोटल ऑयल का इंपोर्ट बिल $100 billion पार कर चुका है। हमारे टोटल इंपोर्ट्स का 20% हिस्सा ऑयल है। और आपने देखा था कि कीमतें जब कच्चे तेल की इस इलेक्शन से पहले बढ़ रही थी तो चारों तरफ लोगों में रोष था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसको लेके सड़क पर आ गई थी, पेट्रोल को, कुकिंग गैस को, डीजल को लेके। और फिर इलेक्शन की घोषणा हुई, उसके बाद आपने देखा कि पेट्रोल डीजल की प्राइसेस अपनी जगह रुक गई और कई हफ्ते से ये रुकी हुई है। अब जैसे ही 7 मार्च को आखिरी पोलिंग होगी उत्तर प्रदेश में और 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, मैंने खुद कैलकुलेशन एक करी है, ये कैलकुलेशन शायद बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि जब उस समय जब इलेक्शन शुरू हुए थे तो पेट्रोल क्रूड ऑयल की कीमत $70-75 के बीच में थी, और इसी के आधार पर इकोनॉमिक सर्वे ने ये पूरा का पूरा एस्टिमेट लगाया था साल भर का कि $70-75, और वहां से चल के आज हम $110 तक आ चुके हैं। मैंने जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रॉफिट नेगेटिव में जा चुका है, उनका जो मार्जिन होता है वो इस टाइम नेगेटिव में जा चुका है। अगर उनको पहले नेगेटिव को खत्म करना है, थोड़ा बहुत मुनाफा भी कमाना है, मेरे हिसाब से मेरी कैलकुलेशन कहती है हर $1 पे 70-80 पैसे लोगों को फालतू देने पड़ते हैं जो आपने अनकंट्रोल्ड प्राइसिंग रखी हुई थी। अगर हम उसका मापदंड ले, हालांकि मैं इस अनकंट्रोल्ड प्राइसिंग को, क्योंकि इलेक्शन में आके रुक जाती है, पर फिर भी चलिए हम अनकंट्रोल्ड मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से आज $30 का अर्थ है ये करीब करीब ₹25 $25-35 ऊपर जा चुकी है। मेरे हिसाब से ₹20-25 पेट्रोल डीजल का बैकलॉग, जिसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं अंडर रिकवरी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की हो चुकी है। अब देखना यह है कि जब ये दाम बढ़ने शुरू होंगे 10 मार्च के बाद तो क्या एक साथ बढ़ाए जाएंगे या इसको फिर वही 20-25 पैसे करके, क्योंकि अब 20-25 पैसे वाले का मतलब है कि अंडर रिकवरी और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि जितनी आगे, तो कितना सरकार लोगों को पास ऑन करेगी, क्या सरकार फिर एक्साइज ड्यूटी को कट करेगी जैसे पीछे किया गया था, आपने देखा होगा कुछ राज्य सरकारों ने वैट को पीछे किया था, केंद्र सरकार ने एक्साइज को पीछे किया था क्योंकि अभी GST में नहीं है पेट्रोल डीजल। मुझे लग रहा है सरकार के पास विकल्प, सबसे अच्छा विकल्प तो ये रहेगा कि इसको GST के अंतर्गत लाया जाए, पर इसमें बहुत सारे राज्यों का विरोध सहना पड़ेगा क्योंकि इससे राज्यों की आमदनी सीधी सीधी गिर जाएगी और राज्यों की अपनी फिस्कल पोजिशन बिगड़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भारत पर ग्रोथ पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। हर 10% जब भी ऑयल बढ़ता है 0.2% आपका सीधा सीधा GDP पर उसका असर पड़ जाता है। होलसेल महंगाई हर $10 बढ़ने से करीब करीब 1.7% WPI आपको उसमें बढ़ता हुआ दिख जाता है और इसका असर फिर रिटेल इन्फ्लेशन पे आ जाता है। तो मुझे लग रहा है क्योंकि ऑयल यानी कि पेट्रोल और डीजल का कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, ये खाली पेट्रोल पंप पर आपकी जेब में छेद नहीं करता है। आप जब अपने जरूरत का सारा सामान खरीदते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ है, ग्रोसरीज है, कुछ भी आप खरीदने जाते हैं वो सब महंगा हो जाता है क्योंकि ढुलाई की कॉस्ट, फ्रेट कॉस्ट बढ़ने से मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, स्टॉकिस्ट, रिटेलर्स सब भार ग्राहकों पर डाल देते हैं क्योंकि वो फ्रेट की अपने मार्जिन पे हिट नहीं लेते हैं। तो मैं समझता हूँ लोगों को कमर कस कर तैयार हो जाना चाहिए, आम जनता को। सरकार कितना एब्जॉर्ब कर पाएगी ये तो समय बताएगा, हो सकता है सरकार कुछ अपने ऊपर एब्जॉर्ब करे,
सरकार अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स, मैंने अभी सुना था पीछे पेट्रोलियम रिजर्व्स निकालेगी, पर वो पेट्रोलियम रिजर्व ज्यादा ज्यादा आपको 9-10 दिन तक गुजारा कर सकते हैं, मतलब 9-10 दिन तक प्राइस को स्टेबलाइज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है सरकार कुछ हद तक शायद सरकार एक्साइज ड्यूटी और वैट को कम करे, कुछ हद तक आम जनता को इस मुसीबत को झेलना पड़ेगा। इन्फ्लेशन जो अभी 6% से ऊपर है, रिटेल महंगाई वो और ऊपर जा सकती है, धीरे धीरे हमें उसका और असर देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है लोगों को अपना बजट बैठ के घर का दोबारा बनाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अब जो उनके जरूरत के खर्चे नहीं है उनको फिलहाल टाल देना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका घर का बजट भी जब ये पूरी तरह से पेट्रोल की प्राइस एब्जॉर्ब आपके बजट में होगी तो आपको करीब 20-25% का फर्क अपने घर के बजट में एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को देखने को मिलेगा। कुल मिला के देखें तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है और ना ही दुनिया के लिए अच्छी खबर है यह बढ़ती हुई पूंजी। देश के सबसे बड़े आईपीओ का इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों को अब भी और इंतजार करना पड़ सकता है। यूक्रेन रूस लड़ाई से देश और दुनिया भर के शेयर बाजारों में जारी गिरावट के बीच सरकार इस आईपीओ को कुछ हफ्ते या महीनों के लिए टाल सकती है। माना जा रहा है कि अगर इस उथल पुथल के बीच आईपीओ आया तो निवेशकों के साथ ही सरकार का भी काफी नुकसान हो सकता है। आईपीओ क्यों टालना चाहती है सरकार और इसके निवेशकों के लिए क्या मायने हैं? देखिए इस बारे में हमारे एक्सपर्ट ने क्या कहा। एलआईसी का आईपीओ 7 मार्च से 10 मार्च तक स्केड्यूल्ड था। इसका 13 फरवरी को एक, जब भी कोई आईपीओ आना होता है उसका एक रेड हेरिंग ड्राफ्ट, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP बोलते हैं, वो सरकार ने फाइल भी कर दिया था। तो इसके हिसाब से 7 मार्च को खुलता, 10 मार्च को होता, 65-70 हजार करोड़ का ये था। करीब करीब 30-31 करोड़ शेयर्स, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ ये। पीछे मुझे याद है पेटीएम का आईपीओ आया था, करीब 18,300 का था, वो सबसे बड़ा आईपीओ माना जा रहा था। उससे 3.5 गुना बड़ा ये आईपीओ होना था। पूरी हलचल थी इसके, पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स में, अर्थव्यवस्था में इसकी। बड़ा आईपीओ कभी भी भारत से नहीं आया। और आपका, आपने जो बाद में पूछा वो मैं इसी में ले लेता हूं, क्योंकि भारत सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट था उसमें इस पैसे को फैक्टर इन कर रखा था, क्योंकि इस साल का जो हम, क्योंकि भारत सरकार वित्तीय वर्ष पे चलती है, 31 मार्च पे साल खत्म हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये पोस्टपोन किया जाता है, जो कि अब नजर आ रही है, हालांकि साथ में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि भारत सरकार पोस्टपोन करने का अगर सोच रही है तो इस वजह से सोच रही है कि शेयर मार्केट, जब आप आईपीओ लाते हैं उस समय शेयर मार्केट एक सामान्य परिस्थिति में होनी चाहिए, क्योंकि लोग तभी आगे बढ़कर अल्टीमेटली शेयर्स हैं और कल को स्टॉक मार्केट में ट्रेड होंगे। तो अगर वहां का सेंटिमेंट डिप्रेस्ड होता है तो आपको जो इशू प्राइस होती है, एक तो आप वो इशू प्राइस नहीं पिच कर पाएंगे, और दूसरा इशू प्राइस पे पिच करेंगे भी तो लिस्ट होते ही उसकी प्राइस गिर जाएगी, और लोगों को इस बात का पता होता है, तो इसलिए वो इशू में सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उसमें पार्टिसिपेशन कम हो सकती है या उसकी कीमत कम मिल सकती है। तो इस आशंका को देखते हुए, इन दो आशंकाओं को देखते हुए, हो सकता है कि भारत सरकार इसको पोस्टपोन करे। अगर ये पोस्टपोन होता है तो मैं समझता हूँ इस साल के जो फाइनेंशियल एस्टिमेट्स है सरकार के, इस साल जो वित्तीय पोजिशन है उसमें वो थोड़ी डामाडोल होगी, क्योंकि ये जो 65-70 हजार करोड़ सरकार ने फैक्टर इन किए हुए थे ये नहीं आएंगे, ये टल जाएंगे आगे। तो इसके टलने से इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट आपको, और कुछ खर्च सरकार को और उनको मॉडरेट करना पड़ेगा, कुछ रेवेन्यू में छेड़ाखानी करनी पड़ेगी, कुल मिला के देखें तो बैलेंस शीट को हिलाना पड़ेगा, उसको शेकआउट करना पड़ेगा, जिससे कि इस शॉर्टफॉल का कवरेज किया जा सके। और जहां तक लोगों की बात है तो मैं समझ रहा हूँ लोगों को इंतजार करना चाहिए, कुछ लोग बहुत एक्साइटेड थे इस इशू को लेकर, और जब तक मार्केट सेंटिमेंट ठीक नहीं होता। पर मैं इसमें एक बात आखिर में जोड़ना ये चाहूंगा कि शेयर मार्केट बहुत वोलेटाइल है, एक दिन आप देखते हैं नीचे जाती है, दूसरे दिन रिबाउंड भी कर जाती है, आज फिर नीचे है, पिछले हमने देखा एक दो दिन ऊपर रही। तो अगर शेयर मार्केट सेंटिमेंट अब, हालांकि अब आज हम 2 तारीख में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 7 को आना था, तो अब 3-4 पर अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है, कोई समझौता हो जाता है, आज भी रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत हो रही है, हालांकि चांस कम है, पर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कोई समझौता हो जाता है, तो एकदम से शेयर मार्केट रिबाउंड करेगी। अगर करती है तो फिर ये मार्च में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि टल जाएगा, जरूरी नहीं टल जाए। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा शेयर मार्केट की मूवमेंट पे, शेयर मार्केट की वॉलिटिलिटी पे, क्योंकि आखिर में LIC के शेयर्स हैं वो शेयर मार्केट में ही ट्रेड किए जाएंगे, वहीं पर लिस्ट किए जाएंगे, इसी पर सरकार की नजर। और चलते चलते शेयर बाजारों की खबर भी। रूस यूक्रेन लड़ाई से सहमे भारतीय शेयर बाजारों में आज भी काफी गिरावट देखी गई। सुबह के कारोबार में BSE सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट तक गिर गया। शाम को यह 689 पॉइंट नीचे 55,557 पर बंद हुआ।
निफ्टी 156 अंकों की गिरावट के साथ 16,628 पर बंद हुआ। बैंकिंग और फार्मा शेयरों में आज सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई। रूस पर पाबंदियों से स्टील कंपनियों को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे टाटा स्टील जैसे शेयर 5% तक चढ़े। तो ये था आज का खर्चा पानी। इस बुलेटिन को लिखा है हमारे साथी प्रमोद ने। नमस्कार। क्रिप्टो मार्केट की नब्ज और घटती बढ़ती धड़कने, कमाई के रास्ते की ढेर सारी अड़चने, कैसे होता है नफा और नुकसान, क्यों होता है एक इन्वेस्टर परेशान, घर बैठे कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग, वर्चुअल गेमिंग के कायदे और मेटावर्स की दुनिया की शाइनिंग सुलझाएंगे सब, चाहे हो एनएफटी वाले डिजिटल आर्टवर्क का संसार या लगता हो क्रिप्टो रेगुलेशन का झंझट अपार। बदल रही है दुनिया तो न रहिए सोते, लगाइए ज्ञान धारा के गोते। फिर एक बार क्रिप्टो करेंसी की क्लास शानदार, एक नया पैसा सीजन 2, 16 फरवरी से हर बुधवार और रविवार दोपहर 12 बजे।